साथियों नमस्कार। साथियों काफ़ी रात गई हो गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैसेज देना ज़रूरी है। टीकरी बॉर्डर पे अभी जो कश्मकश चल रही है, तो उसमें हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि वो भी शांति बनाए रखें, कोई उपद्रव कोई ऐसी घटना वहाँ पे ना हो जिससे कोई नुकसान हो जाए। और दूसरा, सरकार को भी चेतावनी है, प्रशासन को चेतावनी है। जब आज दिन में वहाँ पर बात हुई थी कि कल बात करेगा प्रशासन, उसके बाद रात को वहाँ पे आके छेड़खानी करना, ये सरासर धोखा है, ये विश्वासघात है। और सरकार अभी बाज आ जाए, अभी चेत जाए, अपने लोगों को हटा ले वहाँ से, अपने लोगों को वापस ले जाए वहाँ से, कोई किसी तरह की गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। और अगर सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो फिर हमें भी कल कोई मीटिंग करके कोई एक्शन उस पर लेना पड़ेगा, इसलिए सरकार शराफ से वहाँ से हट जाए। तो और किसानों से ही बेनती है कि वहाँ पे शांति बनाए रखे, किसी तरह का कोई गड़बड़ कोई ऐसी घटना ना हो जिसका नुकसान हो जाए। और दूसरा, कल एलनाबाद में चुनाव है, संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं डालनी है, बाकी जिसको आपका दिल करे अपने विवेक से किसी को वोट डालें, आपकी मर्जी है, केवल बीजेपी और जेजेपी का विरोध करना है, उनको वोट नहीं डालने। तो एक बार फिर हम टीकरी मामले में सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार वहाँ पे कोई हरकत ना करे, वहाँ से पीछे हट जाए और दिन में जो हमारे नेताओं से बातचीत करके मामले को सुलटाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों काफ़ी रात गई हो गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैसेज देना ज़रूरी है। टीकरी बॉर्डर पर अभी जो कश्मकश चल रही है, तो उसमें हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि वो भी शांति बनाए रखें, कोई उपद्रव कोई ऐसी घटना वहाँ पे ना हो जिससे कोई नुकसान हो जाए। और दूसरा, सरकार को भी चेतावनी है, प्रशासन को चेतावनी है। जब आज दिन में वहाँ पे बात हुई थी कि कल बात करेगा प्रशासन, उसके बाद रात को वहाँ पे आके छेड़खानी करना, ये सरासर धोखा है, ये विश्वासघात है। और सरकार अभी बाज आ जाए, अभी चेत जाए, अपने लोगों को हटा ले वहाँ से, अपने लोगों को वापस ले जाए वहाँ से, कोई किसी तरह की गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। और अगर सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ होती है तो फिर हमें भी कल कोई मीटिंग करके कोई एक्शन उस पर लेना पड़ेगा, इसलिए सरकार शराफ से वहाँ से हट जाए। तो और किसानों से ही बेनती है कि वहाँ पर शांति बनाए रखे, किसी तरह का कोई गड़बड़ कोई ऐसी घटना ना हो जिसका नुकसान हो जाए। और दूसरा, कल एलनाबाद में चुनाव है, संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं डालनी है, बाकी जिसको आपका दिल करे अपने विवेक से किसी को वोट डालें, आपकी मर्जी है, केवल बीजेपी और जेजेपी का विरोध करना है, उनको वोट नहीं डालने। तो एक बार फिर हम टीकरी मामले में सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार वहाँ पे कोई हरकत ना करे, वहाँ से पीछे हट जाए और दिन में जो हमारे नेताओं से बातचीत करके मामले को सुलटाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।